मोहतरम हजरात, अब मैं चाहता हूँ कि फिर एक बार आप हजरात को मदीने मुनव्वरा की तमाम गलियों का तवाफ कराया जाए, जिन गलियों के बारे में उस्ताद शायर जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी ने क्या ही अच्छे अंदाज में कहा है, गली कूचे हैं अच्छे सब दरो दीवार अच्छे हैं, गली कूचे हैं अच्छे सब दरो दीवार अच्छे हैं, मदीने की मसाजिद गुम्बदो मीनार अच्छे हैं, मदीने की मसाजिद गुम्बदो मीनार अच्छे हैं, समर अच्छे हैं गुल अच्छे हैं बरगो खार अच्छे हैं, समर अच्छे हैं गुल अच्छे हैं बरगो खार अच्छे हैं, गरज तैबा के सब दश्तो जबल गुलजार अच्छे हैं, गरज तैबा के सब दश्तो जबल गुलजार अच्छे हैं, सहाबा सब के सब अच्छे हैं लेकिन खास कर इनमें, सहाबा सब के सब अच्छे हैं लेकिन खास कर इनमें, अबू बकरो उमर उस्मान और हैदर चार अच्छे हैं, अबू बकरो उमर उस्मान और हैदर चार अच्छे हैं, असहाबे मुस्तफा पे जो उंगली उठाओगे, असहाबे मुस्तफा पे जो उंगली उठाओगे ऐसी जगह मरोगे कि पानी ना पाओगे, ऐसी जगह मरोगे कि पानी ना पाओगे, अरे असहाबे मुस्तफा से मोहब्बत है लाजमी, असहाबे मुस्तफा से मोहब्बत है लाजमी, इनकार जो करोगे जहन्नम में जाओगे, इनकार जो करोगे जहन्नम में जाओगे। इन अशआर के साथ आपके इलाके का आपका हरदिल अजीज शायर जनाब कारी सुहेल अहमद साहब तशरीफ लाएं और नाते रसूल से हम तमाम सामाइन के खुलूक को महसूस करवाएं। सदर बावकार उलमाए किराम, आज के मोर्चे पर 22 पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम, शोरा एजाम और हजरत सामईन किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए दोस्तों, आज के डाइस का सबसे छोटा शायर हूँ, आपके इलाके का बच्चा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हजरात बिल्कुल जुड़ जाएं, क्योंकि मैं आपके इलाके का शायर हूँ, आपके इलाके का बच्चा हूँ, मैं भी चार मिसरे से अपने शहरी सफर का आगाज करता हूँ, अगर आप हजरात को पसंद आ जाए तो सुबहानल्लाह माशाल्लाह कहते रहे, बहुत ही खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं हम सब के करम फरमा, हम सब के रहनुमा हरदिल अजीज हजरत मौलाना मोहम्मद मसर्रत हुसैन साहब बांधवी के हजरत, बड़े मसरूफियत के बावजूद आज शुरू से लेकर आखिर तक रौनक के स्टेट बने हुए हैं, ये सब देन है हमारे नूर आलम भाई और शराफत भाई और अराकीन मुशायरा। मैं चार मिसरे से अपने शहरी सफर का आगाज करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। के हमारी राह में जब मौत का तूफान आएगा, हमारी राह में जब मौत का तूफान आएगा, मैं एक बार भाई साहब से थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे, हमारी राह में जब मौत का तूफान आएगा, हमारे काम आएगा तो बस ईमान आएगा, हमारे काम आएगा तो बस ईमान आएगा, शाहरुख खान आएगा न दो सलमान, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब कारी साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आएगा न दो सलमान आएगा, बहुत खूब भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। कि हमारी राह में जब मौत का तूफान आएगा, हमारे काम आए बस ईमान आएगा। और आइए दोस्तों, नाते पाक का एक मतलब और एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास, आपकी दुआएं करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाएं।
अश्क आंखों में मेरी तपाने लगे, 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 अश्क मदीने को जाने लगे, माशाल्लाह जब मदीने को जाने लगे, अश्क आंखों में मेरी तबाने लगे। और ये विषय बतौर खास समाज फरमाए कि रोज़े मुस्तफा की जिया देख कर, 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 चांद सूरज भी मुंह को छिपाने लगे, चांद सूरज भी मुंह को छिपाने लगे, अश्क आंखों में मेरी तबाने लगे, काफिले जब मदीने को जाने लगे। बहुत बहुत भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। चार में से और पढ़ता हूँ नादिर पाक के हवाले से, इरशाद आलिया आप थोड़ा सा बेदार हो जाएं, अगर आपको नादिर पाक का शेर पसंद आ जाए सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह सकते हैं। जैसे कि अभी हाफिज इकबाल साहब ने बताया कि हमारे हिंदुस्तान में अभी तक ऐसी कोई धारा नहीं लागू हुई कि आप नादिर पाक के शेर को सुनकर सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहें तो आपको केस लागू कर दिया जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप नादिर पाक के सुनकर सुनके सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह सकते हैं, इसमें आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। आपका फायदा यह है कि आपकी नेकियों में इजाफा हो जाएगा, मेरा फायदा है कि मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। पढ़ता हूं थोड़ा सा मतलब इरशाद आलिया के हमको ऐसा नबी मयसर है, हमको ऐसा नबी मयसर है, हमको ऐसा नबी मयसर है जो पयंबर कभी पयंबर है, हमको ऐसा नबी मयसर है, हमको ऐसा नबी मयसर है जो पयंबर कभी पयंबर है, नस करना से ऐ हलीमा तू, नस करना से ऐ हलीमा तू, नस करना से ऐ हलीमा तू, गोद में तेरे रब का दिल पर है, गोद में तेरे रब का दिल पर है, गोद में तेरे रब का दिल पर है, गोद में तेरे रब का दिल पर है। माशाल्लाह आप लोग लगा थक थक थोड़ा बेदारी का सबूत पैदा करें इंशाल्लाह, पढ़ने में सुनने में मजा आएगा, लुत्फ दो बला हो जाएगा। आपसे गुजारिश है इंशाल्लाह आपको शेर पसंद है सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहते रहे, ऐसा लगना चाहिए कि हम आप किसी के बीच में पढ़ रहे हैं, हमें ये महसूस ना हो कि हम कब्रिस्तान में नाते पढ़ रहे हैं। पढ़ता हूँ बतौर खास मन का शेर पढ़ना चाहता हूँ बतौर खास उलमा किराम की तवज्जो से पढ़ता हूँ, मन का मन पढ़ता हूँ बतौर खास, अगर आपको समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह दे। कि दो जख्म जलेंगे, 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 दो जख्म जलेंगे,
दोजख में जलेंगे, दोजख में जलेंगे, दोजख में जलेंगे, दोजख में जलेंगे, दोजख में जलेंगे, दोजख में जलेंगे, दोजख में जलेंगे। सिद्दीक अबू बकर से उस्मान गनी से, सिद्दीक अबू बकर से उस्मान गनी से, सिद्दीक अबू बकर से उस्मान गनी से, नफरत जो किया करते दामाद अली से। दोजख में जलेंगे, दोजख में जलेंगे, दोजख में जलेंगे, दोजख में जलेंगे, दोजख में जलेंगे। के हसनैन से कहते थे अली बात मजगरा, हसनैन से कहते थे अली बात मजगरा, हसनैन से कहते थे अली बात मजगरा, अस्हाब मोहम्मद पे जो करते हैं तबल्ला। दोजख में जलेंगे, दोजख में जलेंगे, दोजख में चलेंगे, दोजख में चलेंगे, दोजख में चलेंगे। बहुत खूब भाई माशाल्लाह। अज़मत में जो करते हैं बुलू शेर खुदा की, के अज़मत में जो करते हैं बुलू शेर खुदा की, अज़मत में जो करते हैं बुलू शेर खुदा की, वो दीन के मिंबर है सभी इब्न सबा की। दोजख में चलेंगे, दोजख में चलेंगे, दोजख में चलेंगे। माइक भाई, भाई साहब ये आपका माइक आवाज। आइए दोस्तों, जो कलाम बिलखुसूस पढ़ना चाहता था वो कलाम हासिल करता हूँ। बिल्कुल ताजा कलाम है, पहली बार पढ़ने के साथ हासिल हो रही। मैं सोच रहा हूँ मोतबर उलमा इकराम की फरमा है, ये कलाम मेरे मकबूल हो जाए। दुआ चाहूंगा बिलखुसूस उस्ताद शोरा डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब, तवज्जो चाहता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास समाज फरमाए। आवाज बहुत खींच रहा है आपका माइक। पढ़ता हूँ बतौर खास समाज फरमाए। शाहजहां उलमाए कराम की तवज्जो चाहता हूँ और आप दरख्त भी। वो फर्श क्या है सरे अरश नाम करते हैं, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वो फर्श क्या है, वो फर्श क्या है सरे अरश नाम करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? वो फर्श क्या है सरे अरश नाम करते हैं, वो फर्श क्या है, वो फर्श क्या है सरे अरश नाम करते हैं, वो फर्श क्या है सरे अरश नाम करते हैं। यहाँ जो जिक्र यहाँ जो जिक्र रसूल नाम करते माशाल्लाह, जो जिक्र रसूल नाम करते वो फर्श क्या है। और प्यारा शेर आपकी समातों के हवाले, जो पढ़ते रहते हैं हर दम हर दम हर दम दुरूद आ, जो पढ़ते रहते हैं हर दम दुरूद आका पर, जो पढ़ते रहते हैं, जो पढ़ते रहते हैं हर दम दुरूद आका पर, जो पढ़ते रहते हैं, जो पढ़ते रहते हर दम दुरूद आका पर, जो पढ़ते रहते हैं हर दम।
دم تو رو دیا باپ سمیپ رہیں گے سمیپ رہیں گے پلک پر قیام کرتا ہمیشہ بہت خوب سمیپ رہیں گے پلک پر قیام کرتے ہیں وہ فرش کیا ہے سر عرش نام کرتے ہیں یہاں جو سیکھے دوستو آپ لوگ بہت خاموشی سے سن رہے ہیں یقین جانیے کہ میں پہلی بار مشاعرہ پڑھ رہا ہوں پہلی بار میں نے قدم رکھا آپ لوگ میرا حوصلہ بڑھائیں تاکہ میں بھی کچھ آگے بڑھوں نہیں انشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بھائی بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ بہت خاموشی اختیار کیے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پورا مجمع دونوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ جی آؤ لگا بطور خاص ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا وہ فرش کیا ہے سر عرش نام کرتے ہیں جو ذکر بہت پیارا شعر ہے آپ کے آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا اگر آپ کو پسند ہے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ دیجیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں وہ جن کے ہونٹوں پر وہ جن کے ہونٹوں پر رہتا ہے کلمہ طیب وہ جن کے ہونٹوں پر رہتا ہے کلمہ طیب وہ جن کے ہونٹوں پر وہ جن کے ہونٹوں پر رہتا ہے کلمہ طیب وہ جن کے ہونٹوں پر رہتا ہے کلمہ طیب وہ جن کے ہونٹوں پر رہتا ہے کلمہ طیب وہ اپنے آپ پر وہ اپنے آپ پر دوزخ حرام کرتے ہیں وہ اپنے آپ پر دوزخ حرام کرتے ہیں وہ فرش کیا ہے سر عرش نام کرتے ہیں یہاں جو ذکر کچھ منقبہ سے پڑھتا ہوں آج ہم نصیب کی بات کرتے ہیں آئیے پڑھتا ہوں بطور خاص بہت پیارا شعر پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں رہے نصیب کے صدیق اور عمر دونوں رہے نصیب کے صدیق اور عمر دونوں نصیب کے رہے نصیب کے صدیق اور عمر دونوں رہے نصیب کے رہے نصیب کے صدیق اور عمر دونوں رہے نصیب کے صدیق اور عمر دونوں نبی کے ساتھ میں نبی کے ساتھ میں قیام کرتے ہیں نبی کے ساتھ میں ابھی قیام کرتے ہیں وہ فرش کیا ہے دوستو جب شعر ختم ہوا کرے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بتا دیا کریے کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے وہ فرش کیا ہے سر عرش نام کرتے ہیں جو ذکر ہے باب علم علی ہے باب علم علی مصطفیٰ نے فرمایا ہے باب علم علی ہے باب علم علی مصطفیٰ نے فرمایا ہے باب علم علی ہے باب علی کے علم
کو علی کے کو ہم بھی سلام کرتے ہیں علی کے علم کو ہم بھی سلام کرتے ہیں وہ فرش کیا ہے دکھی غریب کو سینے سے جو لگاتے ہیں 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 یہ کام صرف عمر کے غلام کرتے ہیں وہ فرش کیا ہے سر عرش نام کرتے ہیں یہاں جو ذکر اور آئیے دوستو قرآن پاک کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں کلام پاک جو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں 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 جہاں میں سب سے نرالا وہ کام کرتے ہیں وہ فرش کیا ہے سر عرش نام کرتے ہیں یہاں جو ذکر اور مقتا حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں سہیل نے کیا ملتی ہے ہر گھڑی ان کو سہیل نے کیا ملتی ہے ہر گھڑی ان کو جو چلتے پھرتے سب کو سلام